नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी भारद्वाज, एनजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कोरोना काल में जहां सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक व सभी तरह के धरना प्रदर्शन रद्द हैं, वहीं बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में मुहर्रम का ताजिया जुलूस निकाला गया। एक तरफ ताजिया जुलूस निकला तो दूसरी तरफ किला मोहल्ले के पंजाबपुरा क्षेत्र में गणेश जी की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस विसर्जन यात्रा में ना तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। किसी भी प्रकार की कोई भी सावधानी ना बरतते हुए सभी लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन किया। विसर्जन यात्रा के दौरान ये एक बड़ी ही सामान्य सी बात है कि कोरोना का संकट बढ़ सकता था। इस मामले में किला थाना क्षेत्र में 10-1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई FIR दर्ज की गई है व बहुत सारे अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं बारादरी थाना क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर भी 105 लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई की जाएगी। थाना किला के अंतर्गत में पंजाबी पूरा एक मोहल्ला है, जहाँ पे कुछ लोगों ने अपने घरों में जो गणेश की प्रतिमाएं रखे थे वो विसर्जन करने के लिए निकले थे। उस पर पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया था। वीडियो के आधार पे हमने एक थाना किला पे एक FIR पंजीकृत किया था, जिसमें 188, 279, 270 और 3/4 एपिडेमिक 1897 के तहत हमने मुकदमा पंजीकृत किया और उस वीडियो को आसपास के मोहल्ले में लोगों को दिखाया गया, जिसके आधार पर 13 लोग प्रकाश में आए थे। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोग जो हैं 20-25-30 लोग जो हैं वो अज्ञात में भी हैं। बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और कुछ लोगों को नोटिस तामील करा दिया गया है। बारादरी क्षेत्र में भी ऐसा कुछ घटना हुआ था, जिसमें लोग ताजिए को लेकर कुछ एक रस्म होती है, उस रस्म को अदायगी के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें उसमें भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति को हमने जेल भेजा और 150 लोग उसमें अज्ञात हैं, जिसमें से कुछ लोग हमारे प्रकाश में आ गए हैं, उनको भी हम पकड़ कर जेल भेजेंगे। और आप सबों के माध्यम से हम ये पूरे लोगों को बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जो है सार्वजनिक तौर पर पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस तरीके की कोशिश भी ना करे, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरीके की कोशिश करेगा उसको हम पकड़ कर जेल भेजेंगे। सभी लोग जो हैं जो शासन के जो दिशा निर्देश हैं उसे पूर्णतः पालन करें और किसी भी प्रकार का धार्मिक दृष्टि सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल ना करें। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।